नेकानंद परमानंद, नेका परमानंद कमीना, तेरे डर से मेरे माता पिता मेरी शादी कर दिए और तूने मेरे भैया महेश्वर इस दुनिया से जुदा कर दिया। मेरे भैया की याद में मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए और जब मेरी शादी हो गई एक बच्चे की माँ बन गई और दूसरा बच्चा मेरे पेट में पला है, फिर भी हराम था तू मेरे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? बस तेरी भलाई की जाप यहाँ से चले जा। क्या लगा है, क्या कोयल जैसी बोल है, कुत्ता कहो गधा कहो सुअर कहो सब कुछ मंजूर है, लेकिन बात को मान जाओ मेरी जान, चला जाऊं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरी बात सुनो। हाँ तो सुन, चला माधुरी तू गौर से, अगर चतिय लूटे जाऊं नहीं, मेरे बच्चे बचाने मुझे जाएंगे, रोते सुन अपनी मन जाती मधुरिया हराम जाते तुझे शैतान परमानंद शैतान से पंगा लिया है, हराम जाते मेरी बात को इनकार कर रही है, तुझको मालूम नहीं है परमानंद शैतान के साथ ऐसा है, आज मैं तेरा भरा दौर कर तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ जरूर करूंगा, देखता हूँ बताने को तुझे हम मेरी माँ का साले गला दबा रहा है, इसलिए मेरे घर में ताल मचाया साले। शेरनी का बेटा शेर बनकर टहरा है, अंडे से बाहर नहीं निकला, चोच मारना चालू कर दिया, परिवार सब हराम जाते। तेरी हालत को देखेगी तो तलब तलब के हराम जादी काली तूने अगर मेरी माँ को दिया मार कर के बिगाड़ू मैं तेरी सकलिया जीने मरने की
को पा रखे है। आज इसी तेरे बेटे हराम जा देख रहे इसी कौतुक उसे कुजर कुजर कर काहे डर। जब तू देखोगे अपने देश की ओर तो हराम जा जी तेरे पड़क रहे मैं। नमकीन बिस्किट सिगरेट चाय लिया
पहले रुक, मैं इस इंसान से कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या नाम है तेरा? कहाँ का रहने वाला है तू? और कैसे मेरे घर में आया? किसके चेहरे पर मेरे घर में आया? अगर छतुआ साले सारे मेरे तो पसीना आ गया। पीछे रहो साले। मेरा सुनना परमानंद है। क्या नाम पड़ता है तुम्हारा? मेरा नाम विपिन कुमार है। क्या करने मेरे घर में आया था? नाम भेजा था तुम्हें। तुम्हारा नाम विपिन कुमार है, जाहिर करना चाहे तो किस लिए आया हो? अनिल तेरे भैया किया जी हाँ हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें सरासर गलती तुम्हारे बड़े भैया अनिल की है। इन दोनों की कहानी खत्म करने के लिए मेरे पास सुपारी भेजा, तब इसलिए हमको यहाँ पर आना पड़ा। मेरे भैया ने तुम्हें सुपारी दिया है। माने पहले मेरी बात नालायक इंसान मेरे भैया को बदनाम करता है और कहता कि मेरे भाषा ने सुपार दिया था तुझे मारने के लिए। मेरी भाभी और मेरे भतीजे को मारने के लिए तू सुपारी पाया है, कहे कहीं छोड़ बोल। मैं उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा कहता रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरे बात विश्वास है बिल्कुल नहीं है। छठुआ, अबे हमारे तुम्हारी बात अब इनको विश्वास ही नहीं है। क्या करे भाई साहब, जब विश्वास आपको पानी फोड़ डाले तब विश्वास आ जाएगा। अरे हमारी बात पे विश्वास नहीं है, नहीं बात सुनो। I'm not.
हूँ, लेकिन मैं काम जाए के डरा हूँ कि एक दिन तेरा परिवार का हैसला चल जाएगा। जब जिस वक्त अनिल कुमार रसीद को लेकर यहाँ तुम्हारे क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शैतान है, मैं शैतान परमानंद शैतान परमानंद शैतान। तुमने तहलील पर कदम रख दिया, आइंदा तुमने अगर मेरे इस तहलील पर कदम रखने की कोशिश की ना तो एक टांग नीचे रखूंगा, एक टांग हाथों में चला जा, तेरी टांग नीचे है जा। जब रहो लेकिन यार हमारी रैफा तो जिला कम से कम इसला हाल ही लिया। अब तो जा रहा हूं लेकिन हाथ रखो पे फिर कुमार, अगर इस अपमान को बदले में मैं चुकाया तो मेरी मां का दूध हरा। आज परमानंद शैतान आकर के अपने घर में क्या आग लगा दिया है यार, मुझे तो विश्वास नहीं होता है कि हमारे बड़े भैया की गंदी चाल चलन हो जाएगी। प्रमोद मैं भाभी माँ से बातें कर बात जानना चाहता हूँ। बोलिए क्या जानना चाहता है? क्या इस कमीने परमानंद शैतान को तुम जानती हो भाभी माँ? ये अपने घर में कैसे आया? आखिर ये रहने वाला कहाँ से है भाभी माँ? मुन्ना इसे मैं नहीं जानती, ये हरामखोर कौन है? घर में बैठी थी, ये हरामखोर अचानक आया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा और फिर इज्जत के साथ खिलवाड़ खेलना चाहता था, जबरदस्ती कर रहा था। तो मैं नहीं जानती आज ऐसी ऐसी बातें कहकर गया है कि मेरे दिल में और बात आपके तरीके चल रही है भाभी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे भैया इस तरीके की हरकत करेंगे भाभी माँ। मेरी तो नहीं इस बात कि तुम्हारे भैया इतना खोटा काम कर सकते हैं। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन आप
अब ये परमानंद शैतान जो अपने घर में आग लगा कर गया है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है।